चार नाबालिग युवकों ने एक मूक बधिर युवती के साथ गैंगरेप किया। युवती बोल नहीं पाती थी, इसीलिए वह इन दुष्कर्मियों से बचने के लिए चिल्ला भी नहीं पाई। हालांकि दुर्घटना का खुलासा होने के बाद पुलिस ने चारों दुष्कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया है। छतरपुर के गौरीहार थाना क्षेत्र में खड्डी गांव में एक मूक बधिर युवती के साथ चार नाबालिग युवकों ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। इन चारों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना उस समय हुई जब मूक बधिर युवती नित्य क्रिया के लिए घर से बाहर गई थी, तभी पड़ोस के चार लड़कों ने खेत पर उसे पकड़ लिया और उसके साथ गैंगरेप किया। मूक बधिर युवती बोल नहीं पाती थी, इसीलिए वह इनसे बचने के लिए आवाज नहीं लगा पाई। घटना की जानकारी युवती ने परिजनों को दी और थाने में रिपोर्ट लिखवाई, जिसके बाद चारों आरोपियों को पकड़ लिया गया है। चारों आरोपी 11 साल से 15 साल तक के हैं। 28/6/2020 की सायंकालीन 7 बजे करीब एक 20 वर्षीय मंद बुद्धि की गूंगी और बहरी लड़की लेटरिन करने के लिए अपने खेतों में गई थी। वहीं पर चार नाबालिग लड़के भी थे। उन्होंने से 11 वर्षीय लड़के के द्वारा उसके साथ में बाला संभोग करने का प्रयास किया गया है। उस समय में बाकी 3 लड़कों के लिए जो वो भी अवरुद्ध थे, उन्होंने उसके साथ में बलात्कार करने में सहयोग किया है, जिसमें प्रथम पंजीबद्ध करके 376 भी का चारों नाबालिग लड़कों के विरुद्ध प्रथम सूचना दी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक देख रहे हैं दखल न्यूज़।